हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट आइसक्रीम, बबल गम फ्लेवर आइसक्रीम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बबल गम आइसक्रीम बनाने के लिए हमको चाहिए व्हिप्ड क्रीम। ये 100 ग्राम्स मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है, एकदम ठंडी व्हिप्ड क्रीम है ये। टूटी फ्रूटी, किसी भी कलर की टूटी फ्रूटी आप ले सकते हैं। 30 ग्राम्स कंडेंस मिल्क। साथ ही हमको चाहिए बबल गम फ्लेवर का एसेंस, बबल गम एसेंस। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। साथ ही हमको चाहिए थोड़े से फूड कलर्स। ये पिंक कलर मैंने लिया है, ब्लू कलर, आप किसी भी कलर में इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। सबसे पहले बबल गम आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे। क्रीम को व्हिप करने के लिए सबसे पहले क्रीम हमारी बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। ये वही क्रीम है जो हम केक्स या डेजर्ट्स के लिए यूज करते हैं। इसमें शुगर एडिट होती है, ये बहुत सारे ब्रांड्स में आती है, रिच, स्टार व्हिप, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, सारी व्हिप क्रीम अच्छी ही होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आइसक्रीम को बनाने के लिए क्रीम को व्हिप करूंगी इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से। क्रीम हमारी बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है, सॉफ्ट पीक्स आने तक व्हिप कर लिया है हमने अपनी क्रीम को। अब इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। इसमें ऑलरेडी शुगर एडिड होती है क्रीम में, तो मेजरमेंट्स मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंगली बताए हैं उसके। कंडेंस मिल्क एंड व्हिप्ड क्रीम अच्छे से हमने बीट कर लिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे बबल गम एसेंस। ये एसेंस बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो एक ड्रॉप से ज्यादा हमें इस एसेंस को नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग फ्लेवर आएगा। तो एक स्पून में इस तरह से थोड़ा सा एसेंस निकाल के बिल्कुल एक ड्रॉप और हमें अपनी आइसक्रीम में डालना है। चाहे कलर्स हम ऐड करेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा डाल रही हूं, 1 से 2 ड्रॉप ब्लू कलर की। और थोड़े से जगह पे मैं डाल रही हूँ पिंक कलर। और इसको मिक्स करेंगे बहुत हल्के हाथों से। ये हमको इसी तरह से मिक्स करना है कि कहीं पे व्हाइट दिखे और कहीं पे हल्के फुल्के कलर्स हमारे दिखे, इसी तरह से हमको रखना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी आप अपने मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं, तीनों कलर की, और मिक्स करेंगे। अब इसको आइसक्रीम एक बॉक्स में जमाने के लिए डालेंगे। ये हमने अपनी आइसक्रीम जमाने के लिए एक बॉक्स में डाल दिए। इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हों वो हमारी आइसक्रीम में निकल जाएं, क्योंकि एयर बबल्स अगर हमारी आइसक्रीम में रहेंगे तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे और हमको बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम चाहिए। अब इस पे डाल रही हूं मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। और इसको क्लिंग रैप से रैप करेंगे आइसक्रीम को, बिल्कुल अपनी आइसक्रीम से चिपकाते हुए, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जा पाए। अब इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। हमारी बबल गम आइसक्रीम बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनी है। हमारी बबल गम आइसक्रीम बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।